नमस्कार, स्वागत है ETN वीकली न्यूज पर। मैं हूं टेरी नतुंखांग। आइए एक नजर डालते हैं बुलेटिन के मुख्य समाचार की ओर। 24 अक्टूबर को चांगलांग के दक्षिण विधायक फोसुम खिमुन ने यानमान में नशा मुक्ति केंद्र का किया उद्घाटन। 25 अक्टूबर को डीसी चांगलांग ने असम अरुणाचल सीमा पर जिला स्तरीय समिति की बैठक बुलाई। 26 अक्टूबर को ENNG कैडर्स ने खोनसा में किया आत्मसमर्पण। नामफाई 2 में स्थापित किया जाएगा RGU विस्तार परिसर। 26 अक्टूबर को नामसर पुलिस ने NSNU के एरिया कमांडर को किया गिरफ्तार। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर। केयर मी होम डी एडिक्शन सेंटर के सहयोग से तिरप पुलिस ने चलाया नशा जागरूकता कार्य। विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति पर आपसू ने मुख्य सचिव से की मुलाकात। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हाईवे प्रोजेक्ट के डायवर्जन पर मानमाओ के प्रखंड पंचायत नेताओं ने जताए असंतोष। अब समाचार विस्तार से। रविवार 24 अक्टूबर को चांगलांग दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक फोसुम खिमहुन ने यानमान गांव में नशा मुक्ति केंद्र का औपचारिक उद्घाटन किया। 26 नशा करने वालों के पहले जत्थे को सोमवार को DC, DMO, चांगलांग दक्षिण विधायक फोसुम खिमहुन, खिमियांग के ZPM कबजोंग तेची की मौजूदगी में केंद्र में भर्ती कराया गया। सोमवार 25 अक्टूबर को असम अरुणाचल सीमा विवाद पर जिला स्तरीय समिति की बैठक के दौरान चांगलांग के DC डॉ. देवांश यादव ने प्रशासन और भूमि व वन विभाग के संबंधित अधिकारियों को अरुणाचल असम सीमा में उचित सर्वेक्षण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। खनन के साथ साथ ILP सत्यापन के लिए एक एकीकृत चेक पोस्ट की स्थापन के लिए स्थानीय नेताओं और SBOS के साथ समन्वय में चांगलांग जिले में फिनबिरो, तिरपसकान, होंजू, नामटोक, रंगरिंगकान जैसे कई स्थान है जो विवादित है और असम द्वारा अतिक्रमण करने के लिए कहा जाता है। सोमवार 26 अक्टूबर को पूर्वी नागा राष्ट्रीय सरकार ENG के एक सक्रिय सदस्य ने खोनसा में तिरप जिला मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। खोनसा के लमसा गांव में निवासी होपन बांगसिया के रूप में पहचाने जाने वाले ENG कैडर ने तिरप जिला पुलिस और सभी असम राइफल की उपस्थिति में DM तारो मीजे के सामने आत्मसमर्पण किया। कार्मिक के अनुसार वे इससे पहले 2008 से 2013 तक NSNIM, 2017 में NSNR और 2017 से ENNG से जुड़े थे। आत्मसमर्पण करने वाले कैडर जो 2017 से संगठन में स्वयं भू निजी लेफ्टिनेंट के पद पर थे और वे साथ ही सामान्य जीवन जीने का संकल्प लिया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने सोमवार को चांगलांग जिले में मेव सर्कल में नामफाई 2 के RGU विस्तार केंद्र के रूप में चुना है। विस्तार परिसरों के लिए आवश्यक सभी कोणों से व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद 3 स्थलों पश्चिम सियांग जिले के कम्बा में NEC फॉर्म, दिसिंग पासो में 4200 पाके केसांग जिले को अंतिम रूप दिया है। मेव विधायक और मंत्री कामलुंग मोसांग ने अपने फेसबुक हैंडल में कहा, यह एक क्षण है, हम सभी के लिए खुशी की बात है क्योंकि विस्तार परिसर पूर्वी अरुणाचल के छात्रों की मदद करेगा। अब नजदीकी स्थान पर उच्च अध्ययन करें में आवश्यक भूमि दान करने के लिए मेओ के लोगों, RGU के BC साइट चयन समिति के सदस्य और नामफाई 2 को विस्तार परिसर के लिए साइट में से एक के रूप में अंतिम रूप देने की प्रक्रिया से जुड़े अन्य सभी को धन्यवाद देता हूं। मंगलवार को नामसाई जिला पुलिस ने मिनेश्वर दिहिंगिया उम्र 37 वर्ष पुत्र सुंदर दिहिंगिया लेकंग गोहाई गांव के रहने वाले NSN के एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया। वांछित आरोपी व्यक्ति पिछले 6-7 महीनों से नामसाई जिले में विभिन्न रंगदारी के मामलों में संलिप्त था और कुछ प्रमुख व्यवसायियों से रंगदारी की मांग करता था और नामसाई जिले के एक स्थानीय पेट्रोल पंप से पैसे वसूल करता था। 28 सितंबर 2021 से विश्वसनीय स्रोतों से सूचना पर 186 बटालियन CRPF अल्फा कंपनी महादेवपुर के सहयोग से जिला पुलिस द्वारा लेकंग सर्कल के तहत विभिन्न स्थानों पर पुलिस नाके लगाए गए थे। इसके अलावा सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को आरोपी व्यक्ति से सटीक स्थान का पता लगाने के लिए तैनात किया गया था। जिला पुलिस को पुलिस मुख्यालय से तकनीकी खुफिया सहायता भी प्रदान की गई। 28 अक्टूबर को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जॉन बरला जो पिछले सप्ताह अरुणाचल में कहा कि अरुणाचल प्रदेश सहित भारत के कई राज्य जागरूकता की कमी के कारण उनके मंत्रालय के तहत योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने मंत्रालय के तहत विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो जागरूकता पैदा करना मेरी जिम्मेदारी है ताकि योजनाएं हर राज्य में घर घर पहुंचे। उन्होंने आगे कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत कई योजनाएं हैं लेकिन जागरूकता की कमी के कारण योजनाएं लोगों तक नहीं पहुँचती है। छात्रवृत्ति के अलावा हम आवासीय, स्कूल, छात्रावास,
कोचिंग सेंटर, अस्पताल आदि बना सकते हैं। हालांकि जागरूकता की कमी के कारण लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका, इसलिए यह सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है कि यह योजना हर राज्य और लोगों तक पहुंचे। शुक्रवार को तिरप पुलिस ने CSC डियोमाली और केयर मी होम डी एडिक्शन सेंटर चार्जू के साथ समन्वय में 29 अक्टूबर को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और साइबर अपराध पर जागरूकता अभियान चलाया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवमाली के संसाधन व्यक्ति डॉक्टर के माते ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। मानव स्वास्थ्य पर दवाओं के दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया गया। एक अन्य संसाधन व्यक्ति श्री एल लोवांग ने केयर मी होम सह पुनर्वास केंद्र चार्जू के परियोजना समन्वयक ने नशा मुक्ति प्रक्रिया और पुनर्वास पर विचार विमर्श किया। SDPO टोपा वांगसू ने SI एन लोवांग के साथ NDPS अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर विचार विमर्श किया और SI उमेशन सी के साथ इंस्पेक्टर टोमाई वांगपन OCPS देवमाली के ने भी विचार विमर्श किया। इस कार्यक्रम में GSS देवमाली के प्रधानाचार्य श्रीमती वाई माते लोवांग, शिक्षक और कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 600 छात्रों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य GSS देवमाली ने इस तरह के एक महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए तिरप पुलिस की सराहना की और धन्यवाद दिया और अपने छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से परहेज करने और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। शनिवार को अध्यक्ष हवा बागांग और महासचिव तोबम दायन के नेतृत्व में आपसू के एक टीम ने मुख्य सचिव नरेश कुमार से मुलाकात की और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति के संबंध में एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। आपसू को सभी अरुणाचल PWD उम्मीदवारों द्वारा सूचित किया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में घोर विसंगतियों की जा रही है और संघ से राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाने का अनुरोध किया। विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के मुद्दे के अलावा प्रतिनिधिमंडल ने अकेले राज्य विश्वविद्यालय पासीघाट की स्थापना के बाद से गैर कार्यात्मक स्थिति के बारे में भी चर्चा की। आपसू ने मुख्य सचिव से कुलपति, रजिस्ट्रार और शिक्षण संकायों की तत्काल नियुक्ति का अनुरोध किया है ताकि राज्य विश्वविद्यालय बहुत जल्द काम करना शुरू कर सकें। 2 सितंबर को PRI सदस्यों गांव बुरास और मानमाओ ब्लॉक के जन नेताओं ने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर राजमार्ग परियोजना के कथित मोड़ पर नाराजगी जताई है, जिसे मानमाओ शहर से फिनबीरो के माध्यम से लोंगडिंग जिले के कानुबारी तक बनाया जाना था। PWD हाईवे डिवीजन के कार्यकारी अभियंता को सौंपे गए एक संयुक्त प्रतिनिधित्व में यह कहा गया है कि नई डाइवर्ट की गई सड़क तिरप नदी से लोंगशांग गांव क्षेत्र को नए और पुराने कमलाओ गांव क्षेत्र तक जोड़ती है, जो मानमाओ टाउन और उसके आसपास के गांव को छोड़ देती है। आगे मानमाओ ZPM श्री लिमकोन मोसंग ने कहा है कि नई डाइवर्जन सड़क संपर्क की कमी के कारण वंचित हो जाएंगे। इसके अलावा ESC कार्यालय मुख्यालय को सर्वांगीण विकास से उपेक्षित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि कार्यपालक अभियंता से हमारे गंभीर अनुरोध के बावजूद संबंधित प्राधिकारी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। उन्होंने आगे कहा है कि मानमाओ के व्यापक जनहित के लिए हम इस मुद्दे को सख्ती से आगे बढ़ाएंगे। ETN वीकली न्यूज़ के लिए बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए स्टंट टुडे न्यूज़ पर। धन्यवाद।